एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से बीजेपी और सपा के बीच वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आलम यह है कि सियासी तंदूर पर अपराधियों के जात के नाम पर रोटी सेकी जा रही है। अब अपराधियों को उनके अपराध की वजह से नहीं बल्कि उनकी जात की वजह से याद करिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार में हुए एनकाउंटर को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट है। बीजेपी ऐसे एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर अपर्णा यादव ने भी पलटवार किया। खैर, एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ जारी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद छिड़ी राजनीतिक जंग रोजाना सियासी रंग बदल रही है। एनकाउंटर के बाद से ही विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मंगेश यादव के एनकाउंटर को जातीय एनकाउंटर का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जातीय कार्रवाई का हवाला देकर अखिलेश यादव योगी सरकार को आंखें तरे रहे थे, मगर अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट करके और राजनीतिक गलियारों में एक नया शिकुफा छेड़ा है। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार के एनकाउंटर का पैटर्न बता डाला। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। मगर एक तरफ जहां अखिलेश एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और बीजेपी को सच का एनकाउंटर करने वाली पार्टी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के पोस्ट के जवाब में बीजेपी से अपर्णा यादव ने भी पोस्ट कर एनकाउंटर पर योगी सरकार का बचाव किया और कहा कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मगर एनकाउंटर हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जी का दर्द और बढ़ जाता है। अपराधियों के साथ उनका कैसा गठजोड़ है, यह एनकाउंटर से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं है, वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं या जो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं उनकी जाति नहीं देखना चाहते हैं, वो अपराधियों की जाति देख रहे हैं। ये राजनीति की न्यूनता है और समाजवादी पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। वो अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीड़िए का हिस्सा है। वो मऊ में जो रेप पीड़िता है, जो पीड़िए का हिस्सा है, उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपाई एक के बाद एक वार पर पलटवार भी कर रहे हैं। यानी साफ है कि एनकाउंटर पर छिड़ी जंग में अखिलेश ने राजनीतिक बाउंसर डालने का काम किया है, मगर इस मुद्दे पर अपर्णा के साथ ही बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यूपी में उपचुनाव से पहले ना तो एनकाउंटर का मुद्दा और ना ही अखिलेश के पोस्ट पर कोई ब्रेक लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बिल्कुल, पैटर्न पर अब सियासी सवाल मंडराने लगा है। एनकाउंटर के पैटर्न पर सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव और अब इस सियासी घमासान के बीच एक नया पैटर्न को लेकर भी चर्चा होने लगी है। किस तरह का पैटर्न चाहती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, देखना बेहद दिलचस्प होगा। सवालों का जवाब जानेंगे, हमारे दिग्गज मेहमानों से सीधे रुख करते हैं। मेहमानों की तरफ हमारे साथ पूजा मिश्रा समाजवादी प्रवक्ता जुड़ चुकी है, राहुल सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। किस तरीके के एनकाउंटर के पैटर्न की बात की जा रही है पूजा मिश्रा जी, कैसा पैटर्न? यादव को लेकर ही जात के नाम पर ही आप लोग इतना बवाल क्रिएट कर रहे हैं, सियासी सवाल पूछ रहे हैं, कैसा पैटर्न चाहिए? क्या ऐसा पैटर्न की जरूरत है कि यादव को देखा जाए? अपराधी अपराध कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना किया जाए, यादव समुदाय से बिलोंग करता हो तो उसे छोड़ दिया जाए, यही पैटर्न चाहिए? आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हाँ बताइए।
जी आपको नमस्कार और पैनल उपस्थित दोनों प्रताओं को मेरा नमस्कार। क्योंकि हम ये कब कह रहे हैं कि जो जघन्य अपराधी है उसको छोड़ दिया जाए। अगर आप जघन्य अपराधी की बात करते हैं तो इसी अपराध के मामले की बात कर लेते हैं। जो विवेक ने जिसने जो है सरेंडर किया है उसके ऊपर तो 36 मुकदमे थे, कंपेरेटिवली तो कम थे मंगेश से। तो आप बताइए उसको सरेंडर करा ले जाते हैं और वहीं पे मंगेश का परिवार कह रहा है 2 दिन पहले उठाया गया घर से पूछताछ के लिए कि हम पूछताछ करेंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे। चलिए आपने नहीं छोड़ा पूछताछ करने के बाद में, फिर आप एनकाउंटर कर देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जाति धर्म देख करके कल से चले आ रहे हैं, वो जब भी सदन में जाति धर्म देखने से नहीं बाज आते हैं तो फिर यहाँ कहाँ बाज जाएंगे। फेक एनकाउंटर की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हुए हैं। आपको पता है कि आरटीआई के तहत भी जानकारी निकाली गई, पाया गया कि पूजा जी चलिए आप आंकड़ों की बात कर रही हैं, मैं भी आपको आंकड़ा बता देती हूँ। 183 एनकाउंटर हुए हैं योगी सरकार में साल 2017 से 2023 तक, ठीक है, अप्रैल 2023 का ये आंकड़ा है। ब्राह्मण 18 एनकाउंटर में मारे गए हैं, ठाकुर 16 एनकाउंटर में मारे गए हैं और अभी तक जाट और गुर्जर 15 जिनका एनकाउंटर किया गया है, 14 यादव है और 13 दलित है, अन्य मिलकर 50 होते हैं, ओबीसी 7 है। तो इतने लोगों का एनकाउंटर किया गया है, सभी समुदाय सभी जात के लोग इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें से फेक एनकाउंटर कितने हैं श्रुति जी? हाँ हम फेक एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, 2015 से 2018 का भी आंकड़ा उठा के देखिए। मतलब आपको इतना विश्वास है पुलिस प्रशासन पर यकीन होना चाहिए, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा यकीन अपराधियों पर ही है। पुलिस के और साथी जो है पुलिस को ढूंढ रही होती है श्रुति जी, और बलात्कारी की आप बात करती है। इनके यहाँ पे जो है सौरभ श्रीवास्तव है वो बीएचओ की जो रेपिस्ट थे उनके बलि बेल होने पर जो है एक एक स्वागत करते हैं। इनकी बात मुझे लगता है दुष्कर्म की बात तो नहीं करनी चाहिए। जब सामूहिक दुष्कर्म हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो लड़कों से गलतियां हो जाती है, ऐसे बयानबाजी सामने आते थे। आज यादव समुदाय का एक युवक पर अपराध वेतन जघन्य डकैत था, उसका एनकाउंटर किया जाता है तो फिर से सवाल मुझे लगते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप सिंह बैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। बिल्कुल, अब ये यादव को लेकर जो सियासी संग्राम चुर गया है, यादव के नाम पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है खासतौर पर, और कांग्रेस भी लगातार यादव जात को टारगेट करने की बात कर रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वोट चुनाव नजदीक है, वोट की गणित को साधने के लिए इस तरीके का प्रपंच रचा जा रहा है। जी नमस्कार, और देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी इस तरह के बचाव में उतरी है अपराधियों के। ये लोग ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं कि आजकल बिना आग के भी धुआं हो जाता है, मतलब इनकी इनका मानना ऐसा है कि आग नहीं भी लगेगी तो भी धुआं हो जाएगा, जबकि बिना आग के तो धुआं होता ही नहीं। और ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि ये हमेशा अपराधियों, राहजनी करने वालों, छिनैती करने वाले और असामाजिक तत्वों का ये हमेशा साथ देते आए हैं। आप देखिए जितने भी अपराधियों का पहले एनकाउंटर हुआ उसका कोई ना कोई रिश्ता जो है, मेजोरिटी ऑफ मैं सारे अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी 100% नहीं, समाजवादी पार्टी का 100% उस पर आधिपत्य नहीं है, सारे अपराधी इन्हीं के पास नहीं है, कुछ अन्य के पास भी हैं, लेकिन इस समय मेजोरिटी में जो अपराधी जिनका काउंटर हुआ है या जो आते हैं वो समाजवादी पार्टी के ही झंडे के या उस टोपी लाल टोपी के अंतर्गत आते हैं और उनकी वही पहचान होती है। और आदरणीय अखिलेश मतलब इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, आप देखिए कि किस प्रकार किन मुद्दों पे वो बोलते हैं किन मुद्दों पे वो नहीं बोलते हैं। सबसे पहले तो बड़ा सेलेक्टिव ये लोग बोलते हैं, बाकी कुछ भी हो जाए कहीं भी हो जाए उससे इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने वोट बैंक पे ये आंच नहीं आने देते। और जहां तक आपने बात कही कि कांग्रेस भी यादवों पे जो है आ रही है राजनीति करने के लिए, तो देखिए आपने छुपी हुई बात को खोल दिया है और कोई भी अपना वोट बैंक खिसकने नहीं देना चाहता, सबको अपना वोट बैंक प्यारा है और समाजवादी पार्टी आप पे इस पर नाराज होते हैं। वोट बैंक के लिए प्रदीप जी विडंबना है हमारे देश में सियासत करने के लिए, आप अपराधियों के साथ मुंह जोड़ कर बात करेंगे क्या? अरे अब देखिए ना, आप इतिहास देखिए, मतलब इतिहास जो है, मतलब एनकाउंटर होगा तो सबसे पहले आधार कार्ड देखा जाएगा, जाति प्रमाण पत्र देखा जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा अच्छा एनकाउंटर किसका करना है किसका नहीं करना है। उतना समय कहाँ मिलता है एनकाउंटर करने से पहले किसी अपराधी का, किया उसका आधार कार्ड चेक किया जाए? नहीं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के कई नेता प्रवक्ता और सबसे पहले मुखिया भी ऐसा ही सोचते हैं। श्रुति जी थोड़ा सा देखिए क्या है ना कि आप लोग माध्यम है इन बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए,
निश्चित तौर पे जब चर्चा हो रही है तो जनता इसको देखेगी, इसका इसका आकलन करेगी, उसी हिसाब से अपना मत बनाएगी। देखिए जनता जनार्दन होती है और जनता अगर किसी जनता को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो वो शांति से अपना मत बना करके मत दे देती है। पिछले तीन 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 आम चुनाव और पिछले विधानसभा के दो विधानसभा जनता चलाइए, जनता जो है जानती है कि आप क्या कर रहे हैं और जनता अपना चुपचाप मतलब 2024 में इसीलिए दे दिया हुआ था। अभी भी आप बात कर रहे हैं, आपने आपने जाति धर्म लोकतंत्र की परिभाषा सदन में सरकार कैसे बनती है, दो लोगों को पैसा पाते हैं और जाति धर्म में सरकारें किस प्रकार बनती हैं करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सावन में हारी हुई पार्टी या हारा हुआ दल भी सरकार बनाता है क्या? मुझे आप ये बताइए, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में किस पार्टी की सरकार बनती है? हारी हुई पार्टी की या जीती हुई पार्टी की? उसके बाद में एनकाउंटर होने के बाद में आप जिस तरीके से ब्रिजपाल को 5 लाख रुपए दे रही है, सलीम को मतलब 5 लाख रुपए दे रही है कि नहीं फेक एनकाउंटर हो गया, अब हम जो है कंपेंसेशन दे दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप कस्टडियल डेथ नहीं करा पाएंगे, आप कस्टडी में किसी की हत्या नहीं करा पाएंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आपको जुडिशरी किसी को समाजवादी पार्टी अगर न्यायालय का काम ना करे, न्यायालय को अपना काम करने दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कानून व्यवस्था को तार तार नजर आ रहे हैं ये क्योंकि राजनीति करने वालों का क्या नहीं है? अपराधियों को कोई कंफर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कोई माइंड मैप नहीं है। अपराधी जो है सीधे जाएंगे जेल में, अगर लिखे रहेंगे तो जेल में जाएंगे और पुलिस को परेशान करेंगे तो एनकाउंटर होगा। अपराधियों का ना कोई माई बाप होता है, ना ही कोई जात और धर्म होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो किसी अन्य अपराधी के ऊपर होती है। जात धर्म नहीं देखा जाएगा, लिंग भी नहीं देखा जाएगा। देखा जा रहा है विडंबना है कि इस पर भी आप सियासत कर रही हैं। विवेक को क्यों सरेंडर? जस्ट बिकॉज आप MY वोटों को साधने की कोशिश करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराधियों पर भी आप इस तरीके से बात करने लगे कि नहीं यादव था इसकी वजह से। कैसी भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है ये सब कहकर? साथ खड़े होने वाले आज देश को लेक्चर दे रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? हम कह रहे हैं कि नागरिकों को अपराधी कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी, RSS, BHP कौन हजारों लोगों को जाके और एक 500 साल पुराना स्ट्रक्चर को तोड़वाया था? भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप, कमल का झंडा लेके गए थे ये लोग, लोगों को दंगाई बनाने का काम किया है। तो हम कह रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व जिसकी बात कर रहे हैं, जब ITBHU में एक मतलब वो असामाजिक तत्व नहीं था जब समाजवादी पार्टी के सरकार में जिंदा आदमी को लूट लिया जाता था, सामूहिक दुष्कर्म होता था और फिर आप लोग बयान देते थे। मैडम बिल्कुल फिट लॉ एंड ऑर्डर, आज गलत है। ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने के लिए सरकार हम नहीं सुनते हैं। योगी जी के 6 साल के कार्यकाल में, ये 2023 का मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च का उत्तर प्रदेश टाइम में टॉप कर रहा है, 10,000 एनकाउंटर में आगे बढ़ता चला जा रहा है, 13 एनकाउंटर हुए हैं, बेरोजगारी 5,900 भी बढ़ी हुई है। इन लोगों ने एक्यूज को पकड़ा है, 10,500-11,000 एनकाउंटर आपको करने पड़ते हैं, उससे आधा नंबर ऑफ एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। ये पुलिस ऐसे फंक्शन करेगी? ये गबर पेड़ आज चल रहा है क्या? जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो जमीन पे जलजला आता है। हाथ अभी कितना पेड़ हाथ का क्यों बन रहे थे जब ITBHU में गैंगरेप वाले जाते हैं? आपकी पार्टी की तरफ से 50 रेलगाड़ियों पे जो है जिहाद फैलाने वालों का सपोर्ट करने वाली कांग्रेस, ये बात आपके मुंह से निकली है? 2 महीना एमपी में प्रचार किया मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप करने के बाद, 2 महीना आपकी पार्टी का प्रचार क्यों किया आप बताइए मुझे? बीजेपी के IT सेट के लोग कहां थी पुलिस सब? और विधानसभा में योगी जी ने कहा एक लड़का का नाम लिया और एक मुसलमान लड़का का नाम लिया और ये कहते हैं कि मेरी आवाज मुझे लगता है म्यूटेड है। हम कह रहे हैं झूठे बदमाशों की यह बात कांग्रेस के सभा में नैतिक अधिकार है ही नहीं। देश और धर्म विषय का नाम लेने वाले कहते हैं कि बुलेट में इंटेलिजेंस के लिए 30,000 सिक्कों का कत्ल करने वाले आप बताइए, आप बात करने का डिसाइड कीजिएगा, आप गोली मारिएगा, हम ये कह रहे हैं और आपके भी अपने पैर गोली मारेंगे। आप पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। 3 आम चुनाव में आप 100 का आंकड़ा भैया आप किसी छोर के सर पे गोली मार के कह रहे हैं आपकी सरकारें जहाँ पे, आप बताइए मंगेश यादव के सर पे गोली क्यों मारी पुलिस ने? आप मुझे बताइए, आप जस्टिफाई कीजिए। अपराधी है, अपराधी है तो उसके सर पे गोली मारिएगा, गोली मारी जाएगी। अगर वो चोर था, एक मिनट, पहले तो उस पर चोरी का आरोप आप साबित नहीं कर पाए क्योंकि उसको गोली मार दी आप लोगों ने।
जज मत बनिए आप लोग, पकड़ा गया आपको जिस काम के लिए बिठाया गया था वो काम कीजिए सर, पकड़ कर लेके आप जज का काम मत कीजिए, उसको भी गोली मार के आप जल्लाद का काम मत कीजिए, ये जल्लाद पार्टी है, खुद से गोली मारिएगा आप 20,000 सिक्कों के सामने खाने का आरोपियों को खुद से गोली मारिएगा 20,000 सिक्कों के सामने अपने आप को क्या बोलेंगे आपके चीफ मिनिस्टर बोलेंगे ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में कहते हैं कि यादव मुसलमान का नाम लेके कहते हैं कि उनके लिए बुलेट नहीं चलेगी आप क्या बोलेंगे जिनको आप कह रहे हैं आप जाति का नाम लेके जाति धर्म का नाम लेके कैसे बोल सकते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी इनको सड़कों पर बताइए पहले सड़क के जला दिया क्यों आप कर सकते हैं आपके बुलडोजर बाबा कह के गर्व लेता हो जिनको आदमी किसी भी प्रदेश का मुखिया बनने के लायक नहीं है विधवा हो गई बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है टायर डाल के जला के ऐसे जंगाइयों को शेयर से बिठा दिया है जनता राहुल जी बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया आप लोग कैसे अपने शासनकाल में न्याय करते हुए नजर आ रहे थे नहीं आप बताइए कब कब हमारी पार्टी का कब कोई चीफ मिनिस्टर विधानसभा में कहता है जाति विशेष का नाम लेके किनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी कहने की बात कैसे नहीं कैसे कह दिया हिम्मत कैसे हुई ठीक है पुलिस प्रशासन यही करे राहुल जी पुलिस प्रशासन में गोली मारेगी छोड़ दिया जाए आपका नहीं नहीं आपका कोई परिवार जो है छोटी हो जाती है तो चाहती है कि सर में गोली मारते हैं आप बताइए मुझे छोड़ दिया जाए यहाँ पे कौन चाहता है सुने जाते हैं जरा मुझे बताइए किसी भी एक्यूज के सर में गोली मारने की रिवाज को आप चाहते हैं किस तरह की कोशिश करते हैं बेटा अपना दुर्भाग्य है देश का कि हमें डिबेट हमें चर्चा इस मुद्दे पे करनी पड़ रही है राहुल जी प्रदीप जी बाबू बजरंगी को आप लोग इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं देश में कि तमाम मुद्दों को छोड़कर जात धर्म पर ही चर्चा करनी पड़ती है उसके बावजूद आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि इसे हटकर भी आपको जनता को समझाना है कैसे मिल रहा है मुझे बताइए जनता के लिए एक अच्छी अच्छा वातावरण क्रिएट करना है लेकिन नहीं कोई बात जनता के वापस गोली मारेंगे ये लोग उसके सर में गोली मारेंगे ये लोग हिम्मत कैसे हो गई इनकी ये सब विधान की रक्षा करेंगे ये अपराधी होगा आरोपी को गोली मारेंगे आरोपी के घर का भी रामा जैसे बुलडोजर का अपने आप योगी होता है बातें शर्माता है और सीने से योगी होता है अपना नाम खुद से योगी रख लिया जैसे योगी नहीं हो जाता है आदमी दंगाई है दंगाई है दंगाई रहेंगे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आप जरूरत की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता के 30,000 बयान दिए थे के बारे में साथ में इसी सवालों से कहा था एक हिंदू का खून बहेगा तो उसका बदला लेंगे और वो मुसलमान को बाहर जला के जला दिया गया पुलिस सफाई आप की कोई पुलिस अधिकारी आप इस तरह के सवाल करें ये इस तरह का कोई दंगाई बनाना नहीं छोड़िए जनता नगर की आना बंद कीजिए साथ देना बंद कीजिए आपको यार क्या था पुलिस नहीं कर सकते हैं आप अंग्रेजों ये नहीं कांग्रेस पार्टी आपको मेंटेन करने के लिए दिया गया कांग्रेस पार्टी इस देश का भला करेगी ये इसलिए नहीं दिया गया कि जाफर में गोली मारे आरोपियों के आपको हिम्मत अच्छी नहीं उठ जाके बात कीजिए जज उसको जेल की सजा देगा बहुत बड़ा अपराध किया होने उम्र के लोगों ने गोली मारी अगर माफी लाएगा अपराध हुआ तो उसको माफी होगा खिलवाड़ आप कैसे जल्लाद बन रहे हैं जल्लाद पार्टी आप लोग जल्लाद खुद से कैसे बन जाते हैं अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस पार्टी आपकी अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस पार्टी देश की बना देंगे जितना नुकसान किया है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस बात करेगा कांग्रेस पार्टी भाई पुलिस को प्राप्त है उनका ये अंग्रेजों की बनाई 11,000 पार्टी एक एनकाउंटर हुए योगी जी के क्षेत्र में जी इस तरह से खोल के बता रहा हूँ मार्केटिंग जबरदस्ती नहीं चलेगा मतलब आप रोज 5-7-10 एनकाउंटर कर रहे हैं वाह होंगे तो करने तो आई नहीं है और इनके बहाने जरा सुनिएगा दस नहीं पकड़ लिए और धक्का देके भाग गया अरे दौड़ के पकड़ते उसके पैर में गोली मारते माथा में गोली क्यों मारा किसी की हत्या क्यों की हत्या है कोई अपराधी था आप लोग चाहे कांग्रेस का हो चाहे अपराधी के माथे में गोली मारिएगा अपराधी के सिर में गोली मारिएगा आपको सीमा नागरिक है सीने नागरिक है तालिबान तालिबान मारेंगे अगर अपराधी है तालिबान तेरा चलाएगा वो कानून को हाथ ही लेके दंगाई की बात ना करें प्रदीप भाई आपके आपके चीफ मिनिस्टर तो दंगाई जैसी बात ही करते हैं आपके प्रधानमंत्री दंगाई जैसी बातें करते हैं आप राजीव गांधी जी ने कौन सी पार्टी में गोली मारेगा खुद राजीव गांधी जी ने कौन सी पार्टी में गोली आप की जब सजा देगा पुलिस का काम दोनों पैसे खराब मिलेगा तो क्या बात कर रहे हैं अगर कानून को हाथ में लेगा तो सर उसको माथा में गोली मार देंगे ये कानून कहता है कानून हाथ में लेने वाले ठीक है
आपका पुलिस का काम क्या है, जज से जाके पूछिए कि एनकाउंटर करने के लिए पुलिस को दिया गया है क्या परमिशन? पुलिस पुलिस को पचपन साल के काल में लापरवाही हो जाए, प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने की वजह से हाथ लगाना शुरू कर दे तब बिल्कुल सही है। श्रुति जी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए जैसे समाजवादी पार्टी के शासन काल में था। श्रुति जी आप बताइए, नहीं नहीं मंगेश यादव ने इन पे गोली चलाई थी क्या? उसके सर में गोली क्यों मार दिया? क्या उसका कोई अधिकार नहीं था? क्या उसको जज से सजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो जेल में जितने लोग हैं उसको लाइन में लगा के और बीजेपी गोली मारते, यही कह रहे हैं ना? ये बड़ा जो कैसा पैटर्न चाहिए हिटलर का पैटर्न आपको क्या चाहिए? एनकाउंटर का पैटर्न ये नहीं चाहिए कि पुलिस आरोपी मैडम आप ये 11 लेकिन देखिए लाइव टीवी देख रही है, कोई विशेष अपराधी को आप माथा में गोली मारिएगा? यही चाहिए मैडम, आप यही चाहिए? आप बात करिए जिस आरोपी के दल के मुख्यालय पर आप बात करिए। मैं कह रहा हूँ कि आरोपी को सर में गोली मारने की तरह सियासत नहीं करना है, मुझे आपकी तरह राजनीति में नहीं जाना है। मैंने आपको क्या कहा? आपको कैसा पैटर्न चाहिए? आपको गोली मारना बंद कीजिए पहले। नहीं आप अगर आप पहले एक्यूज को कोर्ट में खड़ा कीजिए उसको सजा दीजिए। इतने सारे एक्यूज है ना, उन पर गोलियां नहीं चली ना? क्यों नहीं चली? क्योंकि धक्का मुक्की नहीं हुई, भागने की कोशिश नहीं की गई। आपको पता है? देखिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप उससे पूछिए, मेरा जवाब ले लीजिए। ये भागने की कोशिश का ये जो पैटर्न पुलिस ने बताया है पिछले कितने एनकाउंटर थे कि धक्का देके भाग गया, और पुलिस क्या कर रही थी? उसको पकड़ नहीं सकी। आपको कानून, आपको संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है? अरे पुलिस सरकार के अधीन काम करती है और पुलिस सरकार के कर्मचारी बातों पे आपको भरोसा नहीं है? देखिए ये एनकाउंटर कैसे होता है, ये फिल्मों में देखा जाता है, फेक एनकाउंटर कैसे होता है वही चल रहा है यूपी में। क्या आरोपी भागने का कोशिश कर रहा था तो उसको माथा में गोली मार दी है? शर्माता है ऐसे पुलिस को? नहीं, अंधेरे में आपको मुझे लगता है एकदम लाइट जलाकर दिख रहा होगा कहाँ गोली मारी, कहाँ नहीं, कैसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन उस वक्त थी, आपको बेहतरीन तरीके से राउंड मिला होगा। पूजा मिश्रा जी और प्रदीप जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी है यूपी सरकार ने। चलिए और लोगों की ह्यूमन राइट्स की कोई धज्जियां उड़ी नहीं? श्रुति जी ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी डाला गया, जिसके साथ डकैती की गई है उसकी ह्यूमन राइट्स, उसको सर में गोली मार दो। अधिकार की छाती में भी गोली मारेंगे है ना? ठीक है ठीक है ठीक, बिल्कुल आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, साधिए आप लोग नागरिकों के लिए कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ, आप किसी को भी सर में गोली नहीं मार सकते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है। राहुल जी मैं यहाँ सियासत करने बैठे नहीं हूँ, मैं आपके साथ सियासत करने गोली मार बैठी हूँ, आप समझिए बात। आप ह्यूमन राइट्स को तो डिफेंड करेंगे? मैंने आपको ह्यूमन राइट्स की बात बता दिया ना, किसी का रेप कर लिया जाए तब वो एक दुष्कर्म होता है, उसके बाद आप बोल दे कि लड़कों से गलतियां करती है तब वो ह्यूमन राइट्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे बयान के साथ खड़ा नहीं हूं। मुझे नहीं बयान बाज करनी, मुझे नहीं बात करनी, मैंने बोल दिया ना आपको, बिल्कुल आपको अपने बातों पर नहीं रहना। सरकार है, सरकार नीति क्रिएट कर रही है, ठीक है? ये कोई युवा सरकार नहीं चल रहा, माफिया राज चल रहा है वहाँ पे, इनकी प्लीज। ठीक है, बहुत हुआ। प्रदीप जी, जी बोलिए। श्रुति जी कैसा पैटर्न उपयोग किया जाए आखिरकार विपक्ष को खुश करने के लिए? नहीं, विपक्ष को खुश करने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है कि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। एक सवाल का जवाब मैं ले रहा था कि राजीव गांधी जी ने जब बोला था कि पेड़ हिलते हैं तो वो 30,000 निर्दोष परिवार, वो 30,000 महिलाएं जिनके पतियों के गले में टायर डाल करके जला करके छोड़ दिया गया, उस समय ह्यूमन राइट्स की इनको याद नहीं आ रही थी कांग्रेस पार्टी को? वो क्या इस देश के नागरिक नहीं थे या उनका कोई अधिकार नहीं था? उनका जो ह्यूमन राइट्स होते हैं सिखों के, वो नहीं थे उस समय? तब इनको नहीं याद आया? देखिए ये लोग वोट बैंक को साधने के लिए, वोट बैंक में खुश करके मैसेज देने के लिए और समाज में भ्रम फैलाने और गुमराह करने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि कौन अपराधी और कौन अपराधी नहीं है। अपना मणिपुर में वहाँ ड्रोन और रॉकेट से अटैक हो रहा है, शर्माता तो उसकी चिंता आप ना करें। गृह मंत्रालय उसकी देखरेख कर रहा है, भारतीय सेनाएं हैं उसको देखने के लिए। आग लगा के रख दिया आप लोगों ने पूरे देश में,
उसका इतिहास में अगर घुसूंगा तो प्रोग्राम का समय खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की करतूतों के कारण देश आज जो है परेशानियां जुगत रहा है। आज कांग्रेस की गलतियों के कारण देश अभी तक जुगत रहा है, परेशानियां झेल रहा है। और आप प्रश्न कर रहे हैं इस तरह से नहीं होता है। ये केवल वोट बैंक को अपने शांत करने के लिए पुष्ट करने के लिए उनके सामने ये कह सके कि हमने हर वोटों से आपके लिए लड़ाई लड़ी। ये कांग्रेस की आदत है और कांग्रेस इसी प्रकार की बातें करेगी। एनीवेयर इन द वर्ल्ड सच ए कम्युनल लीडर, आप लोगों ने कैसे बैठा दिया उसको सीएम के कुर्सी पे? ऐसे छून छून के आप को करें पावरफुल श्रुति जी जाति ना पूछो अपराध की, पूछ लीजो जात नहीं पूछा जाता अपराधी का अपराधी नहीं। मैं इत्तेफाक रखती हूँ, ना ही कोई इत्तेफाक रखता होगा। चलिए पूजा मिश्रा जी बोलिए। श्रुति जी आप एनकाउंटर की बात कर रहे थे, आपका सिस्टम कैसा चाहिए होगा? सिस्टम चाहिए होगा कि आप दो दिन पहले गिरफ्तार ना करिए, दो दिन पहले आप गिरफ्तार करके कस्टडी में रखेंगे, उसके बाद में तीसरे दिन आप जो एनकाउंटर कर देंगे, ये हरकतें ना करिए। सिस्टम चाहिए होगा कि अगर आप अपराधी को पकड़ रहे हैं, अपराधी कोई भी हो, आप उसको ले जाके कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट उसको फांसी की सजा सुनाती है, सुना दे। आप फिर पुलिस के कस्टडी में अगर अपराधी है, आप उसको लेके जा रहे हो कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए और कोई आकर के गोली चला दे रहा है, कैसी पुलिस है? कोर्ट को सजा देनी चाहिए ना। आप उसको नहीं पकड़ पाते हो, कोई भी आकर के जो है पुलिस कस्टडी में, इसका पुलिस का मजाक बना रखा हुआ है आपने, जुडिशियल को हाथ में लेकर के मजाक बना रखा आपने। कहना बार बार जाते लगता है माननीय मुख्यमंत्री यकीन पूजा मिश्रा जी अपराधियों की कहानियों पर है, ठीक है? और एनकाउंटर की बताइए, आप पूरी जानकारी होगी पूजा मिश्रा जी किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, किस स्थिति में किया गया इस एनकाउंटर पर, सियासी मुठभेड़ सियासी बयानबाजी जो आप लोग कर रहे हैं, सवाल बस उसी का है, विडंबना है कि आप लोग इस तरीके से इस एनकाउंटर पर भी सियासत करने से बात नहीं आ रही। प्रॉब्लम बस इतना ही है, ये तालिबान रूल चल रहा है यूपी में। ना ना ना, आपको आपको जब सिखों का नक्सल हुआ था तब तालिबान आपको याद नहीं आएगा? श्रुति जी कांग्रेस को तालिबान तब याद नहीं आता था, सिखों का सलाम तक किया गया था। तालिबान युग राहुल जी वो टाइम था जब ना एक विधायक समाजवादी पार्टी के गढ़ में जीत गए, आप छल्ली छल्ली बोली स्वीकार किया जाते हैं प्रशासन के बीच में, आसाराम को बेल दे देंगे और बाबू बजरंगी के लिए माफी, और एक्यूज जो है जो अपराधी साबित भी नहीं हुआ उसको माथा में गोली। वाह वाह रे तालिबान रूल, ये क्या मजाक चल रहा है मैडम? माथे नहीं सीने में भी गोली मारी जाएगी अगर अपराधी होगा तो। क्यों दे रहे हैं आप इनको? क्वेश्चन कीजिए कि राम रहीम को पेरोल और मंगेश प्रदीप जी कि माथे पे नहीं सीने पे गोली मारी जाएगी, मारी जाएगी। हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई इंकार करेगा तो गोली मारी जाएगी। जो आदेश आ गया वही माना जाएगा, बैलेंस बना कर कहीं चलना पड़ेगा। हम आपको ऐसे ही हमारा नहीं घूमने देंगे कि आप जो सरकार जी आपको बिल्कुल वही पैटर्न चाहिए जो पैटर्न 2017 से पहले चल रहा था यूपी में, है ना? राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया, पूजा मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ जिस तरीके से आपने देखा कि विडंबना है देश की एनकाउंटर, अपराधी का एनकाउंटर किया जाता है उस पर भी सियासत थमने से बाज नहीं आती। सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद यह आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि वो यादव जाति से बिलोंग करता था, यादव समुदाय से आता था, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। आपने तमाम दिग्गज मेहमानों का की बयानबाजी भी सुनी होगी, किस तरीके से वो डिफेंड भी कर रहे थे, पता नहीं किस तरीके का पैटर्न चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को शांति के साथ साथ एक ऐसी वातावरण चाहिए जो सुरक्षित हो उनके लिए। 2017 से पहले जिस तरीके का वातावरण था उत्तर प्रदेश में, वो जनता ने बखूबी देखा है और अब योगी सरकार का शासन भी देख रही है, शासनकाल भी देख रही है। तो बिल्कुल इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान भी सुनवाते हैं
और आप चलते चलते देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अजय राय। कांग्रेस निश्चित तौर से हमारे नेता राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका जी लगातार इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। लगातार हमारे नेता, आपने देखा होगा अभी प्रयागराज में कार्यक्रम हुआ राहुल जी का और लखनऊ में उसके पहले हुआ, ये लगातार हम उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। मंगेश यादव के परिवार से मिलने गए थे, मंगेश यादव के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, पूरी तरीके से मंगेश यादव की पुलिस के द्वारा योगी जी के निर्देश पर हत्या की गई है, वो फर्जी इनकाउंटर है, हत्या की गई। ये भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षकों को घुमा रही है, प्रमाण है, ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, 69,000 शिक्षकों को घुमा कर उनको नौकरी नहीं दे रही है। आरक्षण विरोधी कौन हुआ ये पूरे सबके सामने आ गया कि आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आज 69,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं दे रहे हैं और वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है, हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, उनको न्याय दिलाने का काम। राहुल गांधी सही बात बोलते हैं, सही बात इनको पसंद नहीं है, सत्य के साथ है राहुल गांधी और सही बात बोलते हैं, सही पर अडिग खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सही बात पर खड़ी है और सही बात बोलती है।